मुझे ये कैमरा बॉक्स में नहीं बल्कि इस बैग में मिला है विथ ऑल एसेसरीज। चलो कोई नहीं, खोलते हैं, मतलब अनबॉक्सिंग। मोस्टली इतना ही रहा इसका बैग ओपन सीन, बस ऐसे 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 और बस खत्म। बाय बाय टाटा। नहीं नहीं सिर्फ खत्म, बाय बाय टाटा नहीं, अब इसके अंदर की चीज तो बाकी है यार। ओके सो ये रहा हमारा पूरा बैग और इसके अंदर मेरे दिल का टुकड़ा ऐसा कह सकते हैं। फर्स्टली ये लाइट दिखाता हूँ जो इसी के साथ मिला है और ये दिखता है थोड़ा सा अद्भुत टाइप्स। दूसरी तरफ अपना कैमरा स्ट्रैप विद सोनी ब्रांडिंग। इसके नीचे कैमरे की दो बैटरीज, एक ओरिजिनल सोनी की जो बैटरी होती है ओरिजिनल वाली वो, और दूसरी ये ऑर्डिनरी किसी और कंपनी की। खैर साथ में दो चार्जर भी, एक ओरिजिनल वाला जो सोनी का चार्जर है वो जो कैमरे के साथ मिलता है, और दूसरा एक एक्सटर्नल चार्जर जो कि डीजी GoPro नाम से किसी कंपनी की है। अगेन इस तरफ दोनों चार्जर के लिए दो केबल जो AC 240 सप्लाई देगा। इसी के नीचे एक माइक्रो USB केबल, वहीं एक और केबल HDMI का। वेट ए मिनट, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल। एंड आगे दिस इज सोनी अल्फा 6000 मिररलेस कैमरा बॉडी विद 1650mm किट लेंस एंड 64GB की मेमोरी कार्ड। एंड नाउ फाइनली इट्स अनबॉक्सिंग इज फिनिश्ड। लेकिन अब आपका सवाल होता है शुरू, डबल बैटरी, SD कार्ड और ये बैग तक तो ठीक है, बट डबल चार्जर केबल और ये लाइट, लेकिन ना तो कोई रैप और ना ही कोई डॉक्यूमेंट। बाय, क्योंकि मैंने ये कैमरा विथ ऑल एसेसरीज सेकेंड हैंड लिया है जो कि मुझे ठीक ठाक कंडीशन और बजट में मिल गया। और आपके सारे सवाल का एकमात्र जवाब यह है कि मैंने इसे सेकेंड हैंड लिया विथ ऑल एसेसरीज जो मुझे ठीक ठाक मिल गया। हालांकि सोनी का ये जो मॉडल है 6000, ये काफी पुराना मॉडल है, लगभग 2014 में ये लॉन्च हुआ था, बट अभी भी इसका जो मार्केटिंग वैल्यू है और इसकी जो चलती है वो अच्छी खासी है। यही वजह कि मैंने इसे प्रेफर किया जो कि मुझे ठीक ठाक कंडीशन और बजट में मिल गया। इसलिए जैसा कि मैंने सेकेंड हैंड मार्केट में इस कैमरे की प्राइसिंग के बारे में पता किया, तो ये बॉडी और 1650mm ये किट लेंस के साथ और सिंगल बैटरी सिंगल चार्जर के साथ कोई शॉप 33,000 में तो कोई 28,000 में दे रहा था, और साथ में एक मंथ की वारंटी या कोई शॉप 6 महीने की वारंटी दे रहा था वो भी सर्विस वाले। बट ये मुझे सेम चीज 1650mm किट लेंस और कुछ एसेसरी जैसा कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम दिखाया, सब कुछ मुझे 24,110 रुपए का मिल गया, जो कि अगर अदर के साथ हम कंपेयर करें उस शॉप के साथ तो काफी अच्छी डील इसके साथ मुझे मिल गया। और अब जहां तक बात रही इसके वारंटी की, तो मैंने वारंटी भी नहीं छोड़ा, उस बंदे से मैंने 6 महीने की इस पे वारंटी ली, ओनली बॉडी और ये लेंस, नॉट एसेसरीज। और वारंटी भी मैंने ऐसे नहीं लिया बातों बातों में, नहीं, फुल प्रूफ के साथ विथ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के मैंने काफी अच्छी डील में ये कैमरा परचेज करा है। तो फिलहाल अभी तक के लिए आप कमेंट में शाबाशी लिख सकते हो, बाकी इसका फुल टेस्टिंग और इसके एसेसरीज को टेस्ट करते हैं, कुछ वीडियो फोटोज लेकर के देखते हैं कि वाकई में मैंने प्रॉपर होशियारी करी या फिर मुंह की खाई है। सबसे पहले इस लाइट को चेक करते हैं, बट इससे पहले इसके कुछ हाइलाइट्स। लाइट की नीचे लगी ये एक यूनिक सी बैटरी जो ऑब्वियसली इसे पावर देने का काम करेगी। इसकी बैटरी इस लाइट से अलग भी हो जाती है। इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से इसे आप चार्ज कर पाओगे। साथ में यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट भी मिलता है जो रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ नजर आता है। फुल माउंटेबल सिस्टम है, तो इसे आप अपने ट्राइपॉड या अपने जो कैमरे के ऊपर होता है हुक, उसमें इसे माउंट करके इजीली यूज कर पाओगे। साइड में लाइट ऑन ऑफ का बटन और दो लाइट चेंजर स्लाइडर, और ये तीनों के तीनों स्विच डैमेज है जिसे रिपेयर करने की जरूरत है। खैर इतना मैं खुद से भी कर सकता हूँ, बट लाइट बड़ी तगड़ी है यार, पूरा चकाचौंध बना दे रहा है, देख रहे हो। बट एक बात जो मुझे लग रही है, इसकी जो बैटरी है वो काफी कम बैकअप दे रहा होगा या देता होगा, क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्म करता है काफी चकाचौंध टाइप्स, उससे मुझे लगता है कि काफी इसका बैटरी कम देता होगा, बट अगर 1 घंटा भी दे देता है तो बहुत है यार। अगला नंबर चार्जर का, सेटअप एंड प्लग। इंडिकेटर तो ऑन हो चुका है, यानी इट्स गुड। बैटरी डाल के देखते हैं। ओके दैट्स एब्सोल्युटली गुड, इट इज प्रॉपरली वर्किंग। अगला नंबर इस दूसरे चार्जर की जो कि ओरिजिनल सोनी की है। चलो इस दूसरे चार्जर में उस बंदे ने मुझे मुंह की खिलाई, इट इज नॉट वर्किंग। इस सिचुएशन में या तो ये चार्जर खराब है या दूसरा नंबर इस कैमरे का जो चार्जिंग पोर्ट है माइक्रो USB पोर्ट, ये खराब है। हालांकि ये बात उसे बतानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं बताया। अब सब मेरी तरह ईमानदार थोड़ी ना होता है।
खैर मैंने सेकंड हैंड लिया तो इतना सहना तो बनता है। और अब आते हैं हम अपने इस मुख्य पॉइंट पे, इस कैमरे की तरफ के उस बंदे ने इसके अंदर क्या गलत और क्या सही दिया। हालांकि वो अपने हिसाब से तो इसमें सब कुछ सही दिया, पर मेरे हिसाब से क्या गलत और क्या सही दिया वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आउटर कंडीशन को देखते हैं। सो पर्सनली जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो कैमरे की आउटर कंडीशन लगभग 80-85% है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्रैचेस भी लगभग ना के बराबर, सारे बटन के कलर भी बरकरार मौजूद हैं, कहीं से भी कोई भी घिसा पिटासा बिल्कुल नहीं। आउटर कंडीशन काफी मस्त है अगर एक सेकंड हैंड के नजर से देखें तो। वही लेंस में भी मैं सेम कहूंगा, बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में 1650mm ई माउंट किट लेंस। फिलहाल कैमरा प्लस बॉडी के मामले में कोई भी उंगली नहीं उठाऊंगा, आउटर कंडीशन के मामले में दी बेस्ट। आगे इसके सारे बटन को भी मैंने बारी बारी से प्रेस करके अलग अलग सेटिंग में जाकर के चेक किया, सो इट वॉज प्रॉपरली वर्किंग, नो एनी इशूज। कैमरे के ऊपर एक एक्स्ट्रा माउंट जिसमें आप अलग से फ्लैश लाइट या माइक्रोफोन लगा सकते हैं, वहीं इसमें एक इनबिल्ड फ्लैश लाइट भी आता है जो कि प्रॉपर वर्क करता है, ये भी इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और इधर बचे इसके दो पोर्ट, एक HDMI का और दूसरा चार्जर का, जो कि चार्जर का जो पोर्ट है वो काम नहीं कर रहा था, बचा HDMI का, तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ये हम किसी और दिन किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। सो अब इसे कुछ फोटो एंड वीडियो क्लिक करके देख लेते हैं कि ये कैमरा वाकई में कैमरे का काम करता है या फिर नाम का। लेट्स चेक। सो मल्टीपल एंगल से मैं फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर करता हूँ, कुछ सनलाइट के सामने से, कुछ पीछे से, कोशिश रहेगी हर एंगल से। ओके सो लेट्स सी द रिजल्ट्स। और अब कुछ वीडियोज, ओके सो मैंने काफी डीपली इस कैमरे को चेक किया एंड वर्किंग इज प्रॉपरली गुड, नो एनी इशूज। तो अगर आप कोई सेकंड हैंड कैमरा या कोई भी सेकंड हैंड उपकरण लेने के बारे में सोच रहे हो और विथ श्योरिटी के क्या क्या चेक करें और क्या क्या चेक करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को इस कैमरे के साथ यहीं पे करते हैं समाप्त। बाकी इस वीडियो और इस कैमरे के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।